जी हाँ, आपको बताने चले कि एसडीएम ज्योति मोर्या को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है। दरअसल कहा जा रहा है कि एसडीएम ज्योति मोर्या ने यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन लिया है, बड़ा कदम उठाया है। आखिर क्या है इसके पीछे की पूरी खबर तो देखिए। एसडीएम ज्योति मोर्या को लेकर एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आ चुकी है। दरअसल कहा जा रहा है कि एसडीएम ज्योति मोर्या, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा में है, उसी ज्योति मोर्या को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। दरअसल कहा गया कि ज्योति मोर्या एक बार फिर से यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ लेने वाली है बड़ा एक्शन, जहाँ पर झूठी खबरें, झूठी मीम्स, वीडियोज, ऑडियोज वायरल करने के चक्कर में फाइनली एसडीएम ज्योति मोर्या पहले पहुंची थी दिल्ली के हाई कोर्ट। चाहती थी कि उनकी याचिका को एक्सेप्ट किया जाए और सोशल मीडिया पर जितनी भी खबरें उनके खिलाफ फैलाई जा रही हैं, उन सभी खबरों को बंद किया जाए। वहीं अब आपको बताते चले कि इस बीच अब एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। दरअसल कहा जा रहा है कि एसडीएम ज्योति मोर्या के खिलाफ जितनी भी झूठी खबरें यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उनके खिलाफ अब बड़ा एक्शन लेने वाली है ज्योति मोर्या। अब तक ज्योति मोर्या दो बार हाईकोर्ट जा चुकी है अपनी याचिका को लेकर, लेकिन वही अब एक बार फिर से खबर आ चुकी है कि ज्योति मोर्या जाने वाली है फिर से दिल्ली के हाईकोर्ट, ताकि उनके खिलाफ चल रही झूठी खबरों की वजह से जो असर उनकी असल जिंदगी पर पड़ रहा है वो ना पड़े। जी हाँ, आपको बताते चले कि आज हमारे चैनल ने भी कई ऐसे चैनल देखे जहां पर ज्योति मोर्या के नाम पर कई सारी झूठी खबरें फैलाई गई। पहली खबर कि ज्योति मोर्या के साथ हादसा हुआ, ज्योति मोर्या पर गोली चली जिसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया। दूसरी खबर कि अब कोर्ट का फैसला आ चुका है, ज्योति मोर्या को मनीष दुबे के साथ रहना होगा। तीसरी खबर कि ज्योति मोर्या के प्रेमी मनीष दुबे को जेल में खूब पीटा गया जिसके बाद ज्योति रोती नजर आई। आपको बता दें ये तीनों ही खबरें झूठी हैं, यहां तक कि इन खबरों के साथ जो तस्वीरें वायरल हुई वो भी झूठी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो मानने का नाम नहीं ले रहे और अभी भी ज्योति मोर्या के नाम का गलत इस्तेमाल करके झूठी खबरें फैला रहे हैं। ऐसे में खबर है कि यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया के खिलाफ जा सकती है ज्योति मोर्या और फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, जिसके बाद लिया जा सकता है यूट्यूब चैनल के खिलाफ लीगल एक्शन। नेक्स्ट सन लाइव की रिपोर्ट।